नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कार कंपेरर्स के एक नए वीडियो में। मेरा नाम विवेक शैलविदाते और आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के बारे में। ये जो गाड़ी है ना, ये अभी भारत में लॉन्च कर दी गई है और ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ये है हंटर 350 का बेस वेरिएंट, रेट्रो वेरिएंट। और इसकी अगर आप एक शोरूम कीमत देखोगे तो वो है 1.5 लाख रुपये, 1,50,000 रुपये। और इस कीमत में आपको एक रॉयल एनफील्ड की गाड़ी आ जाती है। और जिन लोगों का बजट कम है, जिनका बजट 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में, उनके लिए रॉयल एनफील्ड हंटर 350 का ये बेस वेरिएंट बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहने वाला है। इसलिए वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। सो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। चाबी अगर देखोगे तो ऐसी ही चाबी आपको मिल जाती है। बाकी फ्रंट से अगर देखोगे आप तो ये जो हेडलैम्प है ये पूरा हैलोजन सेटअप है। टर्न इंडिकेटर देखो तो यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए गए हैं। बाकी फ्रंट से देखोगे ना आप, लुक एक अच्छा खासा लुक आपको इसका दिखता है। बाकी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन यहाँ पे यूज़ हुए, कवर है पूरा, मरकट देखो तो ये प्लास्टिक मटेरियल इसमें यूज़ किया है। बाकी इस साइड से अगर देखोगे आप तो स्पोक 17 इंचेस के व्हील इसमें यूज़ किए गए हैं और रेट्रो वेरिएंट है। सो स्पोक यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। रिफ्लेक्टर देखोगे तो यहाँ पे दिए गए हैं। और इस साइड से अगर देखोगे आप तो डिस्क 300 mm का डिस्क इसमें दिया गया है और सिंगल चैनल ABS इसमें दिया जाता है। बाकी साइड से अगर देखोगे आप तो ऐसा कुछ लुक आपको दिखाई देता है रॉयल एनफील्ड हंटर रेट्रो वेरिएंट का। बाकी ये जो देखोगे तो रॉयल एनफील्ड की यहाँ पे बैजिंग है। और फ्यूल टैंक अगर देखोगे तो 13 लीटर का फ्यूल टैंक है। रॉयल एनफील्ड की बैजिंग आप यहाँ पे देख सकते हो और सिल्वर कलर का है। बाकी हंटर 350 की बैजिंग यहाँ पे दी गई है। इंजन अगर आप देखोगे तो 350 cc का ये इंजन है जो कि 20.2 bhp और 27 Nm टॉर्क ही जनरेट करता है। बाकी साइलेंसर अगर देखोगे तो ऐसा कुछ साइलेंसर आपको दिया जाता है। और ये जो है ना ये कॉम्पैक्ट है और अच्छा खासा आपको इसमें जो साउंड है वो मिलता है। मैं आपको साउंड भी गाड़ी का दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आपको गाड़ी स्टार्ट करनी है। ओके, सो आवाज़ अगर देखोगे आप ऐसा कुछ आवाज़ आपको हंटर 350 के बेस वेरिएंट का मिलता है। साइड से अगर आप गाड़ी देखोगे ना तो कॉम्पैक्ट साइज़ है। जो क्लासिक 350 का व्हील बेस है ना उससे थोड़ा सा कम व्हील बेस है। 18 mm इसका व्हील बेस अगर देखोगे तो वो कम है। और जो चासिस वगैरह है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। शॉक ऑब्जर्वर, 2 शॉक ऑब्जर्वर यूज हुए हैं इसमें, उस साइड भी, इस साइड भी। पीछे का अगर आप व्हील देखोगे वहाँ पे भी स्पोक का यूज़ किया गया है और पीछे ड्रम ब्रेक का यूज़ किया गया है जो कि आप इधर देख सकते हो। और टायर देखोगे तो ट्यूब और टायर इसमें दोनों यूज़ हुए। बाकी टायर की साइज़ अगर देखोगे वो भी अच्छी खासी आपको बड़ी मिल जाती है। टायर साइज़ देखोगे आप इसमें तो 120, 80, 17 के टायर इसमें आपको मिल जाते हैं। बाकी पीछे से अगर देखोगे तो टेल लैम्प का डिज़ाइन ऐसा कुछ आपको दिया जाता है। हैलोजन सेटअप है। टर्न इंडिकेटर देखोगे तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ पे भी एक लाइट दी गई है ताकि नंबर प्लेट यहाँ पे इंस्टॉल की जाती है। बाकी यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो मटेरियल है ये पूरा प्लास्टिक मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है। सीट देखोगे तो सीट भी आपको अच्छा खासा वाइड मिल जाता है, 2 लोग यहाँ पे कंफर्टेबली बैठ सकते हो। और एक बात कि ये जो पीछे का गार्ड है ना ये भी अच्छा खासा आपको सिंपल दिया गया है। बाकी का अगर आप मेट्रो वेरिएंट लोगे तो वहाँ पे आपको अच्छा खासा बड़ा जो ग्रैब हैंडल है यहाँ पे आपको मिल जाता है। इस साइड से अगर आप गाड़ी का लुक देखोगे ना तो ऐसा कुछ आपको लुक मिलता है। साइड स्टैंड ही दिया गया है, फुल स्टैंड इसमें नहीं आता क्योंकि बेस वेरिएंट है। बाकी चेन अगर देखोगे आप तो ओपन चेन है। यहाँ पे एक गार्ड भी दिया गया है और सेफ्टी गार्ड है वो भी अच्छा खासा आपको यहाँ पे बड़ा मिल जाता है। और गियर देखोगे तो एक नीचे और बाकी के ऊपर गियर इसमें दिए जाते हैं। और ये जो फुटरेस्ट देखोगे पीछे वाले पैसेंजर के लिए बैठने के लिए तो ये मेटल में दिया गया है और ये जो है ये प्लास्टिक। और इसे यहाँ पे देखोगे तो रॉयल एनफील्ड की जो बैजिंग है वो भी यहाँ पे दी जाती है। बाकी अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखोगे तो यहाँ पे चाबी लगाने के लिए जगह है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ से आपको हैंडल लॉक हो जाता है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अगर आप देखोगे तो ये स्पीडोमीटर है। यहाँ पे अगर आप आओगे तो फ्यूल कितना है और ट्रिप ए ट्रिप बी का ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ से आप देख सकते हो कि कितने किलोमीटर हुए। ट्रिप ए ट्रिप बी का अगर आपको कंट्रोल करना है तो यहाँ पे बटन दिया गया है, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। इस साइड अगर आप आओगे तो यहाँ से आप गाड़ी चालू बंद कर सकते हो और यहाँ से आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हो। रेस यहाँ पे है और ब्रेक। और जो भी मटेरियल यूज़ हुआ है ना वो अच्छा क्वालिटी का आपको यहाँ पे मिल जाता है। यहाँ से हाई बीम लो में आप कर सकते हो। और टर्न इंडिकेटर देखोगे आप तो उसका जो ब्लिंक है वो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ से आप पास भी दे सकते हो हाई बीम लो बीम। और हॉर्न की अगर आप आवाज़ सुनो तो ऐसे कुछ आपको हॉर्न की आवाज़ मिलती है। तो दोस्तों
ये कुछ था रॉयल एनफील्ड हंटर 350 रेट्रो वेरिएंट के बारे में। और ये जो वेरिएंट है ये 1.5 लाख रुपए इसकी एक शोरूम कीमत है। ऑन रोड अगर आप इस वेरिएंट की कीमत देखोगे तो 1,80,000 से 1,90,000 तक इस वेरिएंट की कीमत है, और काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप ये वेरिएंट लेते हो तो अच्छी खासी मॉडिफिकेशन आप इसमें कर सकते हो, और बाइक भी आपको अच्छी खासी स्टैंड आउट करती है। लुक अगर देखोगे वो भी अच्छा खासा इसमें आपको दिया जाता है। बाकी ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हम मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो में। थैंक यू।